हेलो सर, हेलो एंटरटेनमेंट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बोला था, जियो के लिए हम बात कर रहे हैं, कस्टमर से बात कर रहे हैं जो कि उनसे परेशान हो रहे हैं आज की डेट में। ठीक है सर, एक कस्टमर से मैंने अभी आपकी बात कराई, अब हम चलते हैं एक मैडम के पास। ठीक है, वो भी कुछ परेशान है। ओके सर, थैंक यू। हाँ मैडम, हमें पता लगा है कि आप भी काफ़ी परेशान हैं जियो से। और आप कितने टाइम से आप इसके जियो के कस्टमर हैं? मैं जियो की कस्टमर लॉन्ग टाइम से नहीं हूँ, स्टार्टिंग से ही मैं जियो के फेवर में नहीं। कितना टाइम हो गया फिर भी आपको? मेरे को 6 महीने बस। थैंक यू। अच्छा आप मुझे बताइए, अभी आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है, मैंने बहुत सुना था, इवन मैंने अदर नेटवर्क्स भी यूज़ किए हैं बहुत ज़्यादा, और अनलिमिटेड मीन्स अनलिमिटेड ही होता है। अभी तक मैंने जितने भी नेटवर्क यूज़ किए हैं उसमें अनलिमिटेड कॉल्स फ्री मिलती है, मैसेजेस फ्री मिलते हैं, डेटा फ्री मिलता है, तो वो मैंने यूज़ किया है और मुझे मिला भी है। जियो में क्या प्रॉब्लम आई मैडम, आप ये बताइए। प्रॉब्लम मुझे ये आई है कि मैंने जियो सिम ली और मैंने उसे 1 महीने यूज करना स्टार्ट किया, फर्स्ट मंथ में ही 20 से 25 दिन बाद मेरी आउटगोइंग बंद कर दी गई। क्यों, आपने पूछा नहीं? मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया, मेरे कॉल नंबर से कस्टमर केयर पे भी कॉल नहीं लगा, कस्टमर कॉल पे भी रिचार्ज मांग रहे हैं। आउटगोइंग बंद करने के बाद भी मैं अपने फोन से ही। आपने कितने का रिचार्ज करवाया था? मैंने 149 का रिचार्ज करवाया। 149 में आपको क्या मिला था बताएंगे? अनलिमिटेड कॉल्स मिली थी, 1.5 GB डेटा पर डे मिला था, 100 SMS पर डे। ठीक है। अच्छा तो आपका कितने दिन फोन चला वो? मेरा 20 से 25 दिन मुश्किल से रिचार्ज चला। उसका टाइम पीरियड कितना था? 28 दिन का। 20 से 25 दिन चला। हाँ। 25 दिन बाद, 20 दिन बाद आपको क्या बोला गया? 20 दिन बाद ऑटोमेटिकली मेरा डेटा चल रहा था बट मेरी आउटगोइंग बार कर दी गई। अच्छा तो उसमें हो सकता है आपका कुछ ऐसा हो कि उसमें बताते हैं ना कि अच्छा जियो से जियो आपका चल रहा था अनलिमिटेड? मेरा किसी पे भी कोई कॉल्स नहीं जा रहा। अच्छा, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि उसके कुछ मिनट होते हैं कि भाई उतने मिनट आपके पूरे हो गए, तो लेकिन अनलिमिटेड का ये मतलब होता है कि जियो से जियो पे तो चलेगा कम से कम, आप कह रहे हैं वो भी नहीं चल रहा था आपका। अच्छा तो आपने किसी को फोन किया, उनको किसी को कोई बात करी कस्टमर केयर? कस्टमर केयर पे फोन किया, मेरी सिस्टर भी जियो फोन यूज कर रही है, जियो सिम यूज कर रही है, काफी टाइम से यूज कर रही है, उसको 4-5 साल हो चुके हैं सिम यूज करते हुए, और वो यूज कर रही थी उसको आज तक। हाँ जी, मैंने अपने सिस्टर के नंबर से जियो पे कस्टमर केयर कॉल किया, कस्टमर केयर पे कॉल करके मैंने पूछा मेरी आउटगोइंग क्यों बार कर दी गई है। उन्होंने मुझे बोला कि आपकी कॉल्स अधिक हो रही थी, इस कारण आपकी कॉल बार कर दी गई है, अब आपको दोबारा रिचार्ज कराना पड़ेगा। मतलब उनका जो वो बोलते हैं कि अनलिमिटेड हम आप कॉल कर सकते हो, वो भी इसका मतलब फेक है? हाँ, आपके हिसाब से मतलब यही कहना चाह रहे हैं ना आप कि अनलिमिटेड बोला है तो अनलिमिटेड कॉल करने दो हमें, आपके 25 दिन में 20 दिन में बंद कर दी उन्होंने, यही कहना चाह रहे हैं? जी, मुझे उन्होंने बोला दोबारा कॉल जारी करने के लिए आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। मैंने उनसे पूछा कि मेरे को महीने में कितनी बार रिचार्ज करवाना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने मुझे बोला कि आपकी कॉल ज्यादा हो रही थी, इस कारण आपकी आउटगोइंग बंद कर दी गई है, अब आपको दोबारा रिचार्ज करना पड़ेगा तभी आप कॉल कर सकते हैं। उनको क्या जवाब दिया फिर आपने? मैंने उनसे बोला मुझे महीने में कितनी बार रिचार्ज कराना पड़ेगा, अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? हाँ, उन्होंने कहा कि अनलिमिटेड का मतलब अनलिमिटेड होता है बट आप ज्यादा कॉल्स नहीं कर सकते। मैंने उनसे लिमिट पूछी, अनलिमिटेड का मतलब ही ज्यादा कॉल होता है? मैंने उनसे पूछा उसके बाद भी कि मेरी लिमिट बता दो, हाँ, कितनी कॉल्स करूं, तो उन्होंने मुझे लिमिट भी नहीं बताई, इवन मेरे से बदतमीजी से बात करी, मेरे पास हर एक कॉल्स की रिकॉर्डिंग है, अगर आप बोलोगे तो मैं रिकॉर्डिंग भी कंप्लेंट कर सकती हूँ, सारी चीजें कर सकती हूँ। मैंने उनसे पूछा कि मैं अपना सिम पोर्ट करा दूं, तो उन्होंने मुझे किसी भी चीज का कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिया, ना उन्होंने मुझे कोई भी प्रॉपर आपको आंसर नहीं मिला, मतलब प्रॉपर नहीं मिला, इवन मेरी कॉल होल्ड पे डाल दी और उसके बाद घंटों तक कॉल होल्ड पे पड़ी रही, दोबारा कॉल। मैं तो सबको सजेस्ट करना चाहूंगी कि जियो फोन कोई भी यूज ना करे, जियो सिम कोई भी यूज ना करे, ये लूट रहे हैं कस्टमर के। अब तो फ्री पे भी चार्ज लगने लगे, सिर्फ जियो के लिए 150 रुपये का रिचार्ज कराए और उसके बाद ही आप जियो टू जियो ही बात कर सके, अदर नेटवर्क के लिए आपको दोबारा रिचार्ज कराना है। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, जियो फोन बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। चलिए ठीक है मैडम, बहुत बहुत थैंक यू आपका सजेशन देने के लिए, आपके फ्रेंड्स को आपका देने के लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि ये रिलायंस ग्रुप तक पहुंचे, जियो ग्रुप तक पहुंचे, और वो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालें ताकि कस्टमर उनसे नाराज ना हो, उनके कस्टमर बने रहें। थैंक यू मैम, थैंक यू, ओके।